बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उन्नाव की खबर के साथ, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्रांति रथ यात्रा का आगाज किया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव ने भारत समाचार से खास बातचीत में कहा कि 2022 में बदलाव आएगा, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है जिसका जाना लगभग तय है। सपा मुखिया अखिलेश जी आज उन्नाव की यात्रा पर हैं, यहाँ पर मूर्ति का भी अनावरण किया। सर आज उन्नाव आए हैं, क्या मकसद था उन्नाव का और क्रांति रथ की शुरुआत करी? यहाँ से रहे बहुत ही बड़े नेता जिन्होंने लगातार गरीबों के लिए काम किया, पिछड़ों को एक करने की कोशिश की, पूर्व सांसद, पूर्व में रहे मंत्री मनोहर लाल जी के आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है और पार्टी के बहुत सारे शुभचिंतक लोग और इनका परिवार आज से नहीं समाजवादी पार्टी से और समाजवादी विचारधारा से पुराना जुड़ा हुआ परिवार है, आज उनके कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। सर 22 की यात्रा आज से मानी जा रही है, क्रांति रथ से शुरुआत कर दी है, किस तरीके की तैयारी रहेगी? 22 के लिए समय बहुत कम बचा है, जनता को निराश किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक जितने वादे किए वो वादे पूरे के पूरे सपने हैं, अपना खुद का बनाया हुआ संकल्प पत्र उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया, किसानों को आय दोगुनी का वादा करके आय कम कर दी किसानों की, जो बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां नहीं हैं, ये तमाम सवाल हैं, ये सब वर्ग मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी, जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी आने वाले चुनाव में। केंद्र सरकार के सत्र में आप शामिल हुए थे, सत्र में कहा गया पीएम द्वारा कि कोविड में प्रदेशों में मौत ही नहीं हुई, आंकड़े आपने देखे, मैंने खुद जाकर के गंगा के किनारे दिखाए लाशों के ढेर। ये जिला उन्नाव वो है जहां पर बड़े पैमाने पर गाजीपुर, बनारस, बक्सर के बाद सबसे ज्यादा लाशें दिखाई दी थी, लोगों को अंत्येष्टि करने का मौका नहीं मिल पाया, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और उसकी पूरी जिम्मेदारी लापरवाही अगर किसी ने की थी सरकार ने, जिस समय जनता को सरकार की जरूरत थी उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया था, इतना दुख तकलीफ और परेशानी का सामना जनता को कभी नहीं करना पड़ा होगा जितना कोविड के समय पे किया, न जनता को बिस्तर मिला, न बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन दे पाए और सांसें छीन ली ऑक्सीजन न दे करके। तो आज सरकार की नाकामी जनता के बीच में है और कोविड में पूरी तरीके से असफल हुए हैं, आने वाले समय में ये बीमारी किस रूप में आएगी उसकी भी अभी सरकार ने नहीं तैयारी की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, लगातार जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है, इस बार जनता इनका सफाया करेगी। जासूसी कांड में सीएम कह रहे हैं कि विपक्ष जो है नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जो जासूसी करने वाले लोग हैं वो वही हैं जो सत्ता में हैं, आखिरकार उन्हें खतरा क्या है, जब जनता ने बहुमत दिया उनको, लोकसभा में सांसद जीत दिए, विधानसभा में इतने बड़े पैमाने पे विधायक जीत करके गए, आखिरकार जासूसी किसके लिए कर रहे हैं लोग? कहीं ना कहीं इनको डर है कि जो इनके फैसले थे वो जनता के हित में नहीं थे। शुक्रिया से बात करने के लिए थे सपा मुखिया अखिलेश जी, साफ तौर पे कहना है कि जो जनता के हित में फैसले नहीं लिए और आज उन्नाव के दौरे पर है, क्रांति रथ पर है और जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा देखने को मिला और लोग स्वागत के लिए उत्साहित दिखे, तो कहीं ना कहीं 22 की तैयारियों पर बड़ी मोहर लगती दिख रही है। कैप्टन जितेंद्र के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, उन्नाव। राज्यसभा की कार्यवाही को सुनते हैं, देखते हैं, देख रहे पूरे में, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना से और ऑक्सीजन के ना रहने से किसी की जान नहीं गई, लाइव ना हो कौन भरोसा करेगा, अगर जान गई है लोग तड़प तड़प के मरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो ऑक्सीजन जैसी चीज को उपलब्ध नहीं करा पाए। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस की, उस समय अगर सांस को छीनने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नाकाम दिखाई दी उसमें जान उसकी वजह से जान। आखिरकार जासूसी की क्या जरूरत थी? और याद रखना, दुनिया में जहां कहीं भी किसी सरकार ने जासूसी की होगी वो सरकारें चली गई, वो सरकारें नहीं बचती जो जासूसी करती है, वो जासूसी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है। ऐसी सरकार है जो विकास से नफरत करती है, ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की चल रही होगी ना, जो हमें और आपको झगड़ा लगा सकती, हमारे और आपके बीच में नफरत फैला कर जाति को बांटना, धर्म को बांटना और वोट ले लेना,
और जब सत्ता में आ जाओ तब हमारे और आपके लिए काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। मैंने पूछा एक अधिकारी से कि बताओ इस चुनाव में नोटबंदी का क्या दिखाई दे रहा है, वो हंसने लगा क्योंकि आज सबसे ज्यादा नोट का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा का पूरा जिला पंचायत चुनाव, पूरा का पूरा ब्लॉक होने का 2022 का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन किसान गरीब मजदूर नौजवानों के भविष्य का भी चुनाव, इसलिए बहुत सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से अब राजनीति गर्मा गई है और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में मंगलवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से